तो कोरोना के पहले और दूसरे अटैक से अभी उबर नहीं पाए थे कि अब तीसरा अटैक आने वाला है। अभी पूरे विश्व में खलबली मची हुई है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है C.1.2, और ये वेरिएंट जो है पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसमें अभी 7-8 देश इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जैसे चीन है, कांगो, मॉरीशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्ज़रलैंड है। तो ये सब देश जो हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अभी भारत में ये केस देखने को नहीं मिला है, लेकिन भारत में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी ये वेरिएंट देखने को नहीं मिला है। जो COVID-19 का नया वेरिएंट सामने आया है, ये काफ़ी आक्रामक और ख़तरनाक हो सकता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएँ और वैक्सीन से डरे नहीं। हालांकि ये वेरिएंट वैक्सीन को भी हो सकता है मात दे जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, विकल्प तो अपने पास सिर्फ एक वैक्सीन ही है। और सबसे बड़ी बात कि अभी हम लोग आर्थिक मंदी से उभर नहीं पाए थे और एक और ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आने वाली है। WHO ने भी ये बताया है कि कोरोना का यह महामारी बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाली, ये कंटिन्यू धीरे धीरे आती रहेगी। जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये इनकमिंग अपना चालू रखेगी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बस यही करना चाहिए कि सरकार द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए और वैक्सीन लगवाना चाहिए। और सबसे खास बात कि जिन लोगों के मन में डर बैठा हुआ है वैक्सीन को लेके कि स्टेरिलिटी हो जाएगी या बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उससे आप दूर हटिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको डरना नहीं है, हालांकि अंदर से डर लगता है क्योंकि इतने लोग कोरोना के इस दर्द से किसी तरह से उभरे हैं और शायद पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए हैं कि तीसरा फिर से आने वाला है। और केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं भारत में, हालांकि नया वेरिएंट अभी देखने को नहीं मिला है। कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपको क्या लगता है कि COVID-19 का ये वेरिएंट क्या भारत में भी आ सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही कोरोना के न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।